हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप ब्लॉक कॉन्टैक्ट के साथ आप कैसे चैटिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में हर एक बात थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। सो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो। लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बेल के ऊपर क्लिक कीजिए जिससे कि अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले आप। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मेरे पास अभी मेरे हाथ में दो मोबाइल है। जो राइट साइड मोबाइल है उसको समझ लीजिए वो मेरा है और जो लेफ्ट साइड हाथ में मोबाइल है वो समझ लीजिए कि मेरे किसी फ्रेंड का है। सो मैं दोनों मोबाइल में यहाँ से व्हाट्सएप ओपन करने वाला हूँ। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ से व्हाट्सएप ओपन किया दोनों में और मैं चैट होम के अंदर आ चुका हूँ। सो जो लेफ़्ट साइड वाला मोबाइल मेरे फ्रेंड का मोबाइल है, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड का मोबाइल है मान लीजिए। सो मैं इसका नंबर सेव किया हूँ मनोज के नाम से। सो मैं यहाँ से इसका नाम सर्च मारूँगा। ये देख सकते हैं आप ऊपर आ चुका है इसका नंबर। इसके ऊपर क्लिक करके इसके साथ चैटिंग करने वाला हूँ मैं। इधर से इसको हाय भेजा। ये देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड वाला मोबाइल है उसमें मेरा मैसेज आ चुका है। उसने मेरा नाम सागर कुमार लिखा है ऊपर। चलिए चैटिंग खोल के देख लेते हैं। इधर से हाय मैंने भेजा था वो आ चुका है। अब मैं इसमें से रिप्लाई कर रहा हूँ। सो मान लीजिए नाराज़गी में है, उसने स्टिकर भेजा। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड वाला मोबाइल है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ से अपना खुद का नंबर अपने फ्रेंड के मोबाइल से ब्लॉक करने वाला हूँ। इस मैं यहाँ पे एक सैंपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे ही अगर आपका कोई फ्रेंड आपका नंबर ब्लॉक कर दे तो आप क्या करेंगे। ये यहाँ से ब्लॉक हो गया। अब हमें करना क्या है दोस्तों, जो राइट साइड वाला जो मेरा मोबाइल है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सो ब्लॉक हो कर दिया इसने नंबर। आप ऊपर देख सकते हैं जहाँ पर मनोज जी लिखा है उसका DP नहीं शो हो रहा है और टाइम भी नहीं शो हो रहा है। अगर ब्लॉक कर दे तो उसका DP नहीं शो होता है और ना ही टाइम शो होता है। सो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे अपने चैट होम के अंदर और चैट होम के अंदर आने के बाद ऊपर की साइड आप देखेंगे कोने में 3 डॉट का जो ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली। और एक नंबर पे जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है न्यू ग्रुप का, हमें एक ग्रुप क्रेडिट करना है। ग्रुप क्रेडिट करेंगे यहाँ पर हम। सो चलिए मैं उस ग्रुप के अंदर इनका नंबर डाल देता हूँ जो मनोज जी लिखा था। वैसे ये नंबर ब्लैक लिस्ट में है, अगर हम ग्रुप बना के उसमें नंबर डालना चाहे तो ये नंबर ऐड नहीं होगा क्योंकि उसने पहले से ही ऑलरेडी मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा है। सो चलिए मैं उससे ले लेता हूँ, देखिएगा ये बाद में अगर ऐड नहीं होगा तो कोई हमें क्या करना है मैं बताऊँगा इसी वीडियो में। मैं यहाँ से इसका नंबर ले चुका हूँ और ये जो तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर सैंपल ये क्लिक करके मोड़ जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ चुका है। सो यहाँ पे ग्रुप का आप नाम डाल सकते हैं, DP लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ग्रुप का नाम अपना ही नाम भरने वाला हूँ सागर कुमार, क्योंकि जो मोबाइल मेरे दूसरे लेफ्ट हाथ में है उसमें जो मेरा नंबर सेफ है कॉन्टेक्ट में उसमें सागर कुमार लिखा हुआ है। सो यहाँ पर मैं सागर कुमार लिख लेता हूँ। आप यहां नाम की जगह अगर अपना नंबर भी भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई गर्लफ्रेंड गुस्से में होकर नंबर ब्लॉक किया है, चाहे किसी अनजान आदमी ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है और उससे बात करना चाहते हैं तो आप यहां नाम की जगह नंबर ही भरे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद यहां से मैं DP भी वही लगाने वाला हूँ जो मेरा व्हाट्सएप DP लगा है। आप भी DP वही लगाएं जो आपका व्हाट्सएप में लगा हुआ है। सो मेरा DP लगा हुआ है DJ वॉलपेपर में से मैंने एक ये वाला फ़ोटो लगाई है। सो मैं यही फ़ोटो लगा लेता हूँ और उसके बाद सैंपल ये इसको क्रेडिट कर लेना है। ये देख सकते हैं क्रेडिट ग्रुप हो गया, लेकिन ये बता रहा है कि ये जो मनोज जी का नंबर मैंने लिया था ऐड करने के लिए वो कॉल्डेंट टी ऐड मनोज जी, मतलब ये ऐड नहीं हो सकता है। सो सैंपल ये अब हमें यहाँ करना क्या है दोस्तों, ये हमारा ग्रुप क्रेडिट हो चुका है। सागर कुमार मैंने नाम इसका डाला था और DP मैंने वही डाली थी
जो मेरा व्हाट्सएप डीपी लगा है। सो चलिए मैं ग्रुप खोल के दिखा देता हूँ ग्रुप इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है। ये देख सकते हैं आप लोग नीचे की साइड में जहाँ पे कॉन्टेक्ट दिखाता है ग्रुप में, वहाँ पे सिर्फ़ एक ही कॉन्टेक्ट है, लिखा है यूँ, मतलब सिर्फ मैं ही हूँ इस ग्रुप में। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया था वो नंबर इसमें ऐड नहीं होगा इस नंबर, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले से मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है उन्होंने। सो उनका नंबर ना मैं किसी ग्रुप में डाल सकता हूँ, ना उनके साथ चैट कर सकता हूँ, ना उनको कोई मैसेज कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा नंबर उन्होंने ब्लॉक किया है। सो दोस्तों हमें करना क्या है, इस ग्रुप को ऐसे ही रहने देना है, और जिस नंबर पे अभी व्हाट्सएप चल रहा है, मतलब कि जो नंबर आपका फ्रेंड ने ब्लॉक किया है, उस नंबर को अपने व्हाट्सएप अकाउंट से चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर चेंज करके भी आपको दिखाऊँगा। जैसे ही आप चेंज करेंगे और दूसरे नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप चलाएँगे, उसके बाद ही आप उनका नंबर इस ग्रुप के अंदर ऐड कर पाएंगे। जब तक आप अपना नंबर चेंज नहीं कीजिएगा, तब तक उनका नंबर आप इस ग्रुप के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं। सो आप अपना नंबर चेंज कर लीजिएगा, आपके पास कोई नंबर होगा उसके ऊपर सिर्फ 2-4-10 सेकंड के लिए मतलब व्हाट्सएप चला लीजिएगा, और व्हाट्सएप चलाने के बाद जो नंबर मतलब कि जिस फ्रेंड ने आपका नंबर ब्लॉक किया है, उस फ्रेंड का नंबर इस ग्रुप के अंदर ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको करना क्या है, आपको फिर उसी नंबर पे व्हाट्सएप चलाना है जिस नंबर पे आपका व्हाट्सएप पहले चलता था, मतलब जो नंबर आपका आपके फ्रेंड ने ब्लॉक किया है उसी के ऊपर फिर से दोबारा व्हाट्सएप चला लीजिएगा। चलिए मैं नंबर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। सो अब हमें दोस्तों क्या करना है, ग्रुप तो क्रिएट कर लिए हैं हम, सिंपली अब हमें एक बार अपना नंबर, जो नंबर व्हाट्सएप चल रहा है उस नंबर को एक बार हमें बदलना पड़ेगा, मतलब नंबर चेंज करना पड़ेगा। सो नंबर चेंज कैसे होगा ये आप जानते हैं, चलिए मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपको। जो ये चैट होम के अंदर कोने में जो 3 डॉट का ऑप्शन ऊपर राइट की साइड दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर सिंपली क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सेटिंग के अंदर आइएगा, और सेटिंग के अंदर आने के बाद जो अकाउंट सेटिंग एक नंबर पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद जो ये फ़ोन नंबर पे आपको चेंज नंबर का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिएगा इसको। और आप यहाँ पे ओल्ड नंबर, जिस नंबर पे अभी आपका व्हाट्सएप चल रहा है वो नंबर डाल लीजिएगा। सो मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल लिया हूँ, और न्यू नंबर में मैं यहाँ पे एक अपना जियो का नंबर डालने वाला हूँ। जियो के नंबर पर व्हाट्सएप में 2 मिनट ही चलाना है दोस्तों, इसलिए मैं जियो के नंबर पर यहाँ पर चलाने जा रहा हूँ। सो मैंने नंबर भर लिया है, मैं डाउन कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कनेक्ट हो रहा है। सो यहाँ मैसेज आएगा चाहे कॉल, सो यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा राइट दोस्तों, तो मैं यहाँ से थोड़ा वीडियो स्टॉप कर लेता हूँ, फॉर सैम्पल ये नंबर चेंज करके मैं फिर से वीडियो दिखाऊंगा आपको। सो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मेरा नंबर चेंज हो चुका है, यहाँ से क्लिक कर लूँगा मैं। क्लिक करने के बाद चलिए मैं सेटिंग खोल के आप लोग को दिखा देता हूँ, मेरा नंबर चेंज हो चुका है। ये देख सकते हैं वही नंबर पे मेरा व्हाट्सएप चल गया है जो नंबर मैंने भरा था। उसके बाद दोस्तों हमें सिंपली बैक आना है अपने चैट होम के अंदर, और यहाँ से जो ग्रुप मैंने क्रिएट किया था ऊपर देख सकते हैं आप, सागर कुमार जो नाम भरा था उसके अंदर जाएँगे, और इसके इन्फॉर्मेशन में जाएँगे। जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी एक ही नंबर है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो कॉन्टेक्ट ऐड कर देंगे जो जिसने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है। सो मेरा नंबर मनोज जी ने ब्लैक लिस्ट में डाला था, तो मैं यहाँ पे वो नंबर इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। ये देख सकते हैं ऊपर आ चुका है, अभी भी इसका DP शो नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से सही के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लिया हूँ, और ये सैंपल ये देख सकते हैं आप कॉन्टेक्ट ऐड हो चुका है। इसमें देख सकते हैं अभी 2 पेटी की पेंट्स दिखा रहा है, और नीचे भी 2 कॉन्टेक्ट आ चुका है, एक मैं हूँ और एक मनोज जी। सो चलिए अब यहाँ से सैंपल ये हमें बैक जाना है, और बैक जाने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, इस ग्रुप का एक बार हमें लिंक शेयर कर लेना है। जो लिंक है इसको शेयर कर लेंगे अपने किसी फ्रेंड के नंबर पे, मैसेज कर लेते हैं, मैसेज सही रहेगा। अगर आप किसी को व्हाट्सएप में भेजते हैं तो हो सकता है
कि वो आदमी पहले इसमें ज्वाइन हो जाए। सो यहाँ पे मैसेज करे चाहे किसी और ऑप्शन के अंदर जाके इसको शेयर करे तो सही रहेगा। सो मैं कॉन्टेक्ट के अंदर किसी के साथ शेयर कर लेता हूँ। चलिए जो ऊपर वाला कॉन्टेक्ट है इसी के साथ मैंने मैसेज कर देता हूँ मैं। जी यहाँ से मैसेज मैंने कर लिया और सिंपली हम फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे अपने व्हाट्सएप के अंदर। अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे और इस ग्रुप से बैक आएंगे होम स्क्रीन के अंदर। और चैट होम के अंदर आने के बाद दोस्तों फिर से हमें जाना है अपने सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर आके अकाउंट सेटिंग में, और उसके बाद चेंज नंबर के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है इसको। और आपका ओल्ड नंबर मतलब जो अभी नंबर चल रहा है जिस नंबर पे व्हाट्सएप आपका, वो नंबर यहाँ पे भर लीजिएगा। ये देख सकते हैं नंबर मैंने भर लिया है। और न्यू नंबर आप वही नंबर भरिएगा जो नंबर आपका फ्रेंड ने ब्लैक लिस्ट में डाला है और जिस नंबर से आप व्हाट्सएप चला रहे थे वो नंबर भरिएगा यहाँ पे। सो मेरा व्हाट्सएप चल रहा था इस नंबर के ऊपर, आप देख सकते हैं यही मेरा नंबर है। सो मैंने यहाँ पे ये नंबर डाल लिया है, और मैंने जियो का नंबर पे व्हाट्सएप चलाया था तो सिंपली यहाँ पे मैं अपना नंबर चेंज कर रहा हूँ। सो डोन के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं कनेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे कॉल ही आएगा मुझे SMS के लिए, बोल रहा है 2 days। सो मैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, नंबर चेंज होने के बाद मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। सो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मेरा नंबर फिर से चेंज हो चुका है यहाँ पे, और मैं वही नंबर पे व्हाट्सएप अपना चला लिया हूँ जिस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप पहले चल रहा था 9876224517 के नंबर के ऊपर मेरा व्हाट्सएप चल पड़ा है अभी, जो पहले नंबर पे चलता था, जो नंबर उस मेरे फ्रेंड के मोबाइल के अंदर ब्लैक लिस्ट के अंदर है उसी नंबर पे मैं व्हाट्सएप चला लिया हूँ। मैं यहाँ से आपको अपने सेटिंग के अंदर आके दिखा देता हूँ अकाउंट। ये देख सकते हैं आप लोग वही नंबर के ऊपर व्हाट्सएप चल गया है मेरा जो नंबर उसने ब्लैक लिस्ट में डाला था। सो अभी जो अभी ये वाला नंबर मैं आपको ब्लैक लिस्ट में डाल के दिखाया था उसी नंबर के ऊपर फिर व्हाट्सएप चला लिया है मैंने। सो अभी हम यहाँ से बैक आएंगे अपने चैट होम के अंदर, और जो ग्रुप हमने क्रिएट किया था जो नाम मैंने सागर कुमार लिखा था उस ग्रुप को खोल के मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए आप जाइए इन्फॉर्मेशन के अंदर और यहाँ से देख लीजिए अभी 2 नंबर है, मैं भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुका हूँ और एडमिट भी मैं ही हूँ। सो मैंने आपको पहले भी बोला था जैसे ही नंबर चेंज करेंगे आप ऑटोमेटिक उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। अगर ऐसे ऐड नहीं भी होंगे तो हमने जो लिंक शेयर किया है वो लिंक यहाँ से फ्लो करके उस ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। सो देखिए बोल रहा है यू ऑलरेडी इन दिस ग्रुप, मतलब इस ग्रुप के अंदर आप ऑलरेडी ऐड है। तो इस तरह आप कर सकते हैं दोस्तों, अब आप इस ग्रुप के अंदर चैटिंग कर सकते हैं उनके साथ जो आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है। जो मेरा नंबर अभी मनोज जी ने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, सो मैं उनके साथ यहाँ से चैटिंग कर सकता हूँ। सो देखिए मैं यहाँ से हाय भेजने वाला हूँ दूसरे मोबाइल के ऊपर जो मेरे दूसरे हाथ में है लेफ्ट साइड में। सो मैं यहाँ से भेज लेता हूँ और आपको दूसरे मोबाइल में दिखा रहा हूँ अभी। सो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना प्लीज़ यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ऐसे ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजिंग है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो पहले भी मेरे को कमेंट आए हुए थे, मैंने एक वीडियो बनाया था लड़कियों का नंबर व्हाट्सएप कैसे निकाले, तो मेरे फ्रेंड लोग ने कमेंट किया हुआ था कि नंबर ब्लॉक कर रहे हैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ। सो मैं इसलिए वीडियो बनाई है, तो ऐसे ही शेयर कीजिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब।